हेलो दोस्तों, आज आप फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि देख सकते हैं आप टिकटॉक पे ब्रेकिंग न्यूज वाले वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक एप्लीकेशन काइन मास्टर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। इस बैकग्राउंड को 30 सेकेंड के आसपास कर देना है। इसके बाद डन करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखा हो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसे हमें फुल साइज कर देना है। तो वीडियो देख सकते हैं हमारा फुल साइज में आ चुका है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है। लास्ट पॉइंट पे आना है। फिर से हमें फर्स्ट वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है। कैचिंग के निशान पे क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों यहाँ पे बराबर में आ चुका है। फिर से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट कुछ लिखना है, तो सिंपल लेयर पर आना है, टेक्स्ट पर आना है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, टिकटॉक पे पॉपुलर हुआ शैलेंद्र कुमार। तो इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके बाद इस तरह से इसे जूम कर लेना है। इसके बाद इसे पकड़ कर लेकर आना है और इसको बिल्कुल सेंटर में आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डबल ए पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फाउंड बहुत सारे मिल जाएंगे, तो सिंपल आपको बोल्ड पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो फाउंड जो है ना, आपको थोड़ा हल्का मोटा हो जाएगा। इसके बाद सिंपल से इसे हल्का छोटा कर एडजस्ट आपको सही तरह से कर देना है। इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आपको वाइप राइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो लेटर है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डन करना है। इस लेटर को आपको करना क्या है, 5 सेकेंड तक रख देना है, तो 5.0 तक। इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट कर देना है। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेकेंड का वीडियो कुछ एडिट हो चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से हमें आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपको यहाँ पे अपना वीडियो एक सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैंने वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ पहले ही, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को इस पर क्लिक करना है और इस तरह से बिल्कुल इस पर सेंटर में लेकर आना है। ऐसे आपको इस तरह से जूम कर लेना है और आपको सही तरह से बिल्कुल एडजस्ट आपको कर लेना है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन जो दिख रहा है जो आपको दिखना नहीं चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे लगभग एडजस्ट कर दिया हूँ। इस पर इसके बाद आपको क्या करना है, थीम 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से हो चुका है। फिर से हमें ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें क्रोमा की पे क्लिक करना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पर आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे 2 से 3 वीडियो आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो हमारा जो है 28 सेकेंड के आसपास है, तो 2-3 वीडियो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे जैसे खत्म होता है तो सिंपल इस पर फिर से अगर सेकेंड वीडियो लगाना है तो लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ से आपको सेकेंड वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं सेकेंड वीडियो एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और इसको भी सही तरह से सेम आपको इसको एडजस्ट आपको कर देना है और इसे भी 3 डॉट पर क्लिक कर सेंड टू बैक कर देना है। तो देख सकते हैं आप जैसे हमारा फर्स्ट वीडियो खत्म होगा तो सेकेंड वीडियो यहाँ पे स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से आपको 2-3 वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको लेयर पर आना है, टेक्स्ट पर आना है और यहाँ पर आपको एक लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक टाइप कर दिया और इसका एक चैनल है टेक्निकल सैलेंस। इसके बाद इसे डन करना है। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसे जूम भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे आपको एडजस्ट आपको कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने एडजस्ट यहाँ पे कर दिया। उसके बाद डन करना है, इस पर क्लिक करना है। फिर से कलर पे आना है। यहाँ पे आपको कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बट मैं यहाँ पे मैं आपको रेड कलर सेलेक्ट कर दिया हूँ। तो सिंपल देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद इसे आगे तक लेकर आना है। तो इस टेक्स्ट को आपको 9.6 तक रहने देना है। सिंपल इस पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट जो था 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। सिंपल इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पे इन एनिमेशन में आना है और आपको यहाँ पे वाइप राइट कर देना है।
देख सकते हैं हमारा जो कुछ इस तरह से आने वाला है फर्स्ट वाले, और इसके बाद सेकेंड वाले पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन में आना है आपको, यहाँ पे वाइप लेफ्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको वीडियो का आगे तरफ लेकर आना है, इसके बाद 10.3 पे आना है, इसके बाद टेक लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है, फिर से यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जो इसके बाद इसे डन कर देना है, इसके बाद सिंपल आपको इसे जूम कर लेना कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ पे सही तरह से इसे एडजस्ट आपको कर देना है। इस टेक्स्ट को आपको 22.4 तक रहने देना है, इसके बाद इसे कैची के निशान पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, कलर की पे आना है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से टेक्स्ट आना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, की पे क्लिक करना है, इसे आपको यहाँ तक लास्ट तक लेकर आ जाना इस तरह से, और इस पर क्लिक करना है, और इस तरह से यहाँ तक लेकर आना है, और इसको आपको उठा कर लाना है, इसे लास्ट तक इस तरह से आपको सेट कर देना है, इसके बाद डन कर देना है। तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इसको। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाले के ऊपर से आ रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक एक इमेज का कैप्चर कर रखा हो, तो आपको भी इस इमेज को कैप्चर कर लेना है। कैसे कैप्चर करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉप पे क्लिक करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपको यहाँ से क्रॉप कर देना है। तो सिंपल मैं पहले क्रॉप कर देता हूँ, इसके बाद डन कर देना है, इस पर क्लिक करना है, और इसको सही तरह से इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है, इस पर क्लिक करना है, और इस इमेज को आपको बस यहीं तक आपको लेकर आ जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि समझे ये जो है ना हमारा नीचे से जा रहा है, सिंपल। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक और वीडियो ऐड कर देना है। चलो मैं सिंपल से ऐड कर ही देता हूँ, तो हमारा वीडियो यहाँ पे पूरा तैयार हो चुका है। तो सिंपल इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, और इसके बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, और इस वीडियो को टिकटॉक के साउंड पर अपलोड कर देना है। मैंने टिकटॉक का साउंड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना।